आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएस सर्टिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आप आरपीएस सर्टिफिकेशन कैसे फ्री में पा सकते हो। लाइक हाउ यू कैन गेट आरपीएस सर्टिफाइड एंड गेट द सर्टिफिकेशन फॉर फ्री, एंड दैट्स फॉर ऑटोमेशन, दैट्स ऑन ऑटोमेशन एनीवेयर प्लेटफॉर्म। एडवांस और मास्टर, लाइक एडवांस आरपीए प्रोफेशनल और मास्टर आरपीए प्रोफेशनल की दो सर्टिफिकेशन है, वो आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। ये कैसे, क्या प्रोसेस है इसका, ये हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको इन डिटेल बता दूंगा हाउ यू कैन एनरोल, और आपकी क्या क्या प्रीरिक्विजिट है वो एग्ज़ाम को लेने के लिए, एंड उस एग्ज़ाम का क्या फॉर्मेट है, कितने क्वेश्चंस आएगा, क्या क्या टाइम ड्यूरेशन होगी, तो वो सारी चीज़ें हम अभी जस्ट थोड़ी देर में देखने वाले हैं। आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी स्किल की क्रेडिटिबिलिटी, मार्केट में क्रेडिटिबिलिटी दिखाने के लिए आपको सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है, राइट? अगर दो लोग हैं और एक ने सर्टिफिकेशन करा हुआ है और एक ने नहीं करा हुआ है, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस उस इंसान को मिलता है जिसने सर्टिफिकेशन किया हुआ है, बिकॉज फॉर थर्ड पर्सन, वो दोनों के बारे में थर्ड पर्सन को कुछ पता नहीं है। तो एक प्रेफरेंस, राइट, क्रेडेंशियल, उसके क्रेडेंशियल या उसके जो भी उसने लिस्ट किया हुआ है, उसके एक्सपर्टीज, तो उसमें अगर उसने सर्टिफिकेशन मेंशन किया हुआ है, तो एक उसकी प्रोफाइल का वजन बढ़ जाता है। इट एड्स वैल्यू। बाकी तो इट्स ऑल कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है किसको, राइट? बढ़िया, सर्टिफिकेशंस आर रियली हेल्पफुल अगर आप उनको सही तरीके से करते हो, पूरा एफर्ट लगा के अगर पढ़ते हो, एंड यू क्लियर द एग्जाम एंड गेट सर्टिफाइड इन पर्टिकुलर स्किल और पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, तो इट्स रियली हेल्पफुल। लेट्स सी द प्रोसेस हाउ यू कैन एनरोल, एंड रिमेंबर 31st August इज द लास्ट डेट टू क्लेम ऑल योर सर्टिफिकेशन फॉर फ्री, उसके बाद चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। सो गाइज, आप university.automationanywhere.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, एंड उसके बाद आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन टैब में जा सकते हो, सर्टिफिकेशन ओवरव्यू, और इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी क्या क्या सर्टिफिकेशन ऑफर कर रहे हैं अभी। सो यहाँ पे देर आर सर्टिफिकेशन एग्जाम्स, सो दिस एग्जाम इज एसेंशियल आरपीए सर्टिफिकेशन फॉर स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स के लिए है ये। आप इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ से रीड कर सकते हो कि क्या क्या आप स्किल्स, मतलब क्या क्या मेजर करता है आपके, क्या क्या आपको आना चाहिए और क्या आप अचीव कर पाओगे यूजिंग व्हेन यू क्लियर दिस एग्जाम। सो इसमें 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इसकी ड्यूरेशन है लगभग 60 मिनट्स, दैट इज 1 आवर, एंड आपका पासिंग स्कोर है 80%। सो 80% से अगर आपको कम आता है तो यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर दिस एग्जाम, एंड आपको दो अटेम्प्ट्स मिलते हैं। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपके 80 से कम आए तो यू हैव वन मोर अटेम्प्ट टू ट्राई, ठीक है? सो ये उसका फॉर्मेट है और ये इसकी प्रीरिक्विजिट है। सो प्रीरिक्विजिट में ये आपको ऑटोमेशन एनीवेयर आरपीए एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स, ये जो है ये कोर्स आपको प्रेप कोर्स है वो देखना है, वो उसका इसका प्रीरिक्विजिट है, एंड करंटली इसका कॉस्ट है 0 USD। सिमिलरली देन यू हैव ऑटोमेशन एनीवेयर सर्टिफाइड आरपीए प्रोफेशनल, तो ये आरपीए प्रोफेशनल एग्जाम है जिसमें आरपीए प्रोफेशनल वाला सेक्शन है जिसमें यू हैव टू सर्टिफिकेशंस, वन इज एडवांस आरपीए प्रोफेशनल एंड अनदर वन इज मास्टर आरपीए प्रोफेशनल्स। सो इसकी वैलिडिटी भी है अभी, जो बिकॉज ये एग्जाम्स क्या है कि फ्रीली ऑफर हो रहे हैं, तो इनकी वैलिडिटी है 1 ईयर। 1 ईयर के बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है इन एग्जाम्स को, ठीक है? तो इसके ऑब्जेक्टिव है, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है, यू कैन रीड इट आउट। मैं यहाँ पे रीड करके अगेन सेम एंड सेम चीज नहीं बोल रहा हूँ। सो इसके एग्जाम के फॉर्मेट पे चलते हैं। एग्जाम का फॉर्मेट है 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ आते हैं, और 2 आवर्स ड्यूरेशन मिलता है आपको यहाँ पे, और पासिंग स्कोर इसमें भी 80% है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 2। सो दिस इज फॉर योर एडवांस आरपीए सर्टिफिकेशन, एंड दिस इज फॉर मास्टर सर्टिफिकेशन। मास्टर में आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 MCQ, ड्यूरेशन 1 आवर 45 मिनट्स का है, पासिंग स्कोर सेम है 80%। सारे सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में जो पासिंग स्कोर है वो 80% ही है, एंड इसमें भी आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। बट जो इसमें 2 सेक्शन है, एक आपका एग्जाम होता है और एक आपका बोर्ड डेवलपमेंट असेसमेंट होता है, जिसमें आपको जो यूज केस दिए होंगे, यहाँ पे देख रहे हो आप, जो भी यूज केसेस दिए होंगे उनके बेसिस पे आपको बोर्ड डेवलप करके आपको बोर्ड सबमिट करना है। सो इसका आपको बोर्ड डेवलपमेंट असेसमेंट का सिर्फ अटेम्प्ट एक ही बार मिलेगा। अगर आप इसमें क्लियर नहीं कर पाते हो, अगर आपने इसमें क्लियर कर लिया और ये क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर मास्टर सर्टिफाइड आरपीए डेवलपर। सो ये दोनों ही जरूरी है इसमें, राइट? और इसका प्रीरिक्विजिट ये है कि आपको एडवांस सर्टिफिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू अपियर फॉर मास्टर्स आरपीए प्रोफेशनल एग्जाम, यू शुड क्लियर योर एडवांस आरपीए प्रोफेशनल, और अलॉन्ग विद दैट आपको ये एमसीक्यू वाला सेक्शन पास करना है विद मोर देन 80%, एंड बोर्ड डेवलपमेंट असेसमेंट ये भी आपको क्लियर करना है।
सो इनका ये सर्टिफिकेशन प्रेप है, तो ये प्रेप आप ओपन कर सकते हो. लाइक वंस यू ओपन दिस ट्रायल, आप इसमें एनरोल करके आप देर आर प्री रिकॉर्डेड वीडियोस विच यू कैन व्यू एंड गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक्स. ठीक है, इसका ये मास्टर सर्टिफिकेशन का प्रेपरेशन कोर्स है, सो ये भी आप कर सकते हो. सो यहाँ पे आपको ना सिर्फ 31 अगस्त की डेडलाइन है, उसके पहले ही ये फ्री है, अदरवाइज फिर इसका कॉस्ट एड ऑन हो जाएगा. सो $125 एंड $75, सो इसके अकॉर्डिंगली आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा. एंड जो हमने पहले बात की थी स्टूडेंट वाला एग्जाम, राइट, एसेंशियल आरपीए सर्टिफिकेशन फॉर स्टूडेंट्स, सो दिस इज एज ऑफ नाउ दिस इज फ्री एंड देर इज नो एडिशनल कॉस्ट आफ्टर 31 अगस्त एज वेल. सो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो वी अज्यूम राइट इट माइट नॉट बी, इट्स इट्स ऑलवेज फ्री एज ऑफ नाउ. सो या दिस इज समथिंग गाइज, आप लोग के पास अभी लेस देन 1 वीक है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा सर्टिफिकेशन आपके लिए सही रहेगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर एंड अप्लाई, और बेसिकली यू कैन अटेम्प्ट दी सर्टिफिकेशन. सो ये सारे आपको बैजेस मिलते हैं, बॉट डेवलपर के लिए आपको ये बैज मिलता है, एंड अकॉर्डिंगली आरपीए मैनेजर है, सिटीजन डेवलपर है, आईक्यू बॉट डेवलपर है, अकॉर्डिंग टू दैट यू गेट डिफरेंट बैजेस. और यहाँ पे प्रिपरेशन गाइड भी दी हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, कि उसमें वही वही आपका जो प्रिपरेशन ट्रेल है, जो जो रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड वीडियोज है उनका ही लिंक है यहाँ पे. एंड यू कैन विजिट दी ए पीपल एंड ऑल्सो डेवलपर पोर्टल फॉर एडिशनल अंडरस्टैंडिंग और एडिशनल नॉलेज. एंड देन यहाँ पे क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं, हाउ हाउ यू कैन, अगर आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, आपने एग्जाम पास कर लिया, तो उसके बाद आपको क्रेडेंशियल्स कैसे क्लेम करने हैं, वो प्रोसेस दिया हुआ है. सो वो जस्ट एक लिंक जनरेट होता है, आप उसको क्लिक करोगे तो आपका सर्टिफिकेट और एक बैज दिखेगा. सो दैट्स इट गाइस, ये एग्जाम्स मैंने तो ऑलरेडी क्लियर कर लिए थे पहले ही. सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पूरी नॉलेज भी मिली होगी कि आप आरपीए सर्टिफिकेशन कैसे फ्री में क्लेम कर सकते हो. आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं इस तरह के वीडियोस बनाते रहता हूँ आरपीए पे .net पे. सो उस पर्पज से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो. उससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. सो गाइज, सपोर्ट देते रहिए चैनल को, एंड इट कीप्स मी मोटिवेटेड इफ इफ आई गेट सम लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स. सो आई थिंक कि मेरा कंटेंट रीच हो रहा है और उसको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, सो वो मेरे को इनकरेज करता है कि मैं और कंटेंट बनाऊँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.